साथियों देखिए, यहाँ सहा प्रखंड के नवनिमापुर बिनार में मोड़ पर है ना बिनार, और ये बड़ेपुर ग्राम पंचायत के बगल जट में बाबा साहेब तथागत बुद्ध के मूर्ति यहाँ पर स्थापित था। और यहाँ के सीओ साहब ने 13 तारीख को आदेश दिए थे कि हटाने के लिए, लेकिन 11 को आकर जबरन ढा दिया गया। देखिए किस प्रकार यहाँ पे ढा दिया गया है, और समाज के साथ अत्याचार किया है, मारधाड़ भी किया था, पैसाड़ी भी किया था। और यहाँ पे देखिए मूर्ति बाबा साहब को किस तरह बेइज्जती किया गया है। और देखिए जो पंचशील झंडा भी है, देखिए बाबा साहब की और बुद्ध भगवान की, देखिए जो पंचशील झंडा उसको भी इस तरह के मतलब बेइज्जती किया गया है, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए कहाँ रोड पर बिगा हुआ झंडा है, और यहाँ पे देखिए सब जितना भी था सब तोड़ फोड़ के तहस नहस कर दिया। बाबा साहब का मूर्ति वहाँ बिक दिया, अभी जस्ट लाए हैं यहाँ पे। हम लोग भारतीय नागरिक, हम एक मिनट बर्दाश्त नहीं करेंगे, इतना हमको बाबा साहब का मान किया है। अवनशन पर बैठ जाएंगे अस्थमा ब्लॉक में जाके, जब तक नहीं मुआवजा मिलेगा 5 दिन के बाद, 5 दिन तक हम टाइम देते हैं, 5 दिन के बाद नहीं मुआवजा मिलेगा तो अनशन पर बैठे रहेंगे, कल प्यासल रहेंगे। सीओ साहब का नाम क्या है? बाबा साहब को जो भारत के निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी, जो संविधान निर्माता है, ये देश संविधान चलता है, फिर बाबा साहब को मनवादी द्वारा तोड़ा जाता है और यहाँ देखना नहीं चाहता है। हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे भीमार्मी के लोग। अगर नहीं दोबारा स्थापित नहीं हुआ जहाँ मूर्ति, अगर वहाँ स्थापित नहीं होगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन करके भूख हड़ताल पर करके करेंगे, और चाहेंगे तो घेराव भी कर सकते हैं। आइए वहाँ इंसाफ हो, लेकिन गाड़ियाँ की कर और वो दूसरा पक्ष कौन भोला पास कहाँ पर? हेलो, बड़ेपुर में सर, ढाबा बोलता है चल रहे। और यही मतलब भोले पास में करवा? हाँ हाँ यही करवा। हाँ तो गांव में की बुलाए, अंदर में नहीं लगा लेता दोस्तों। रामाश्रय पास में मैं आजाद समाज पार्टी कांशीराम प्रदेश सचिव सह भीम आर्मी भारत एकता मिशन, मैं यहां आया हुआ हूं अस्थमा ब्लॉक के अंतर्गत बेनार मोड़ से आगे।